सर 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 एकदम प्रोफेशनल सेटअप है सर। आप एक बार मौका देके देखिए, बंबई वालों से अच्छा शूट करके दूंगा। अभी फरवरी में जो मेला लगा था उसकी पूरी शूटिंग मैंने की थी सर। भाई मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का हूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। सर आप एक बार सिंह साहब से मिलवा दीजिए ना सर। मैंने आपसे कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, आप समझते क्यों नहीं बात को। सर 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 अरे बाबू से मिलने ऊपर से ऑर्डर है। छोड़ो भाई, हमें मारने क्यों, समझ नहीं आता क्यों बात कर रहे हैं। बोलो ना। अरे अरे हमारी जिंदगी का सवाल है भाई, क्या गलती क्या है हमारी, सिर्फ बात करने को जा रहे हैं। अरे हमारी गलती क्या है भाई, हमारी गलती क्या है। अरे एकदम मिलने तो देते एक बार। अरे अरे बात तो कर, यहां कुछ नहीं, चल चल भाई। गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो, मगर मेरी पहचान नहीं मिटा सकते। मैं ही मोहनदास रहूंगा, एक नहीं 50 बार कहूंगा मैं ही मोहनदास हूं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अगले 200 वर्षों की ऊर्जा की जरूरत के लिए हमारे पास कोयले का भंडार मौजूद है। कोयले की ऊर्जा को बिजली में बदलकर हम इसका बेहतर ढंग से वितरण कर सकते हैं। हमारे कैबिनेट ने कल ही यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के जिन किसान भाइयों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ले ली गई है, उन किसान भाइयों के परिवार के एक एक सदस्य को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दी जाएगी। बस इसके लिए मुझे आपका विश्वास और सहयोग चाहिए, धन्यवाद। मेघना आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है जो 80 गांव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहाँ के लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर खासा रोष है। आप तक क्या खबर पहुँच रही है? ऊर्जा मंत्री ने अपनी सफाई में कहा कि ये सरासर उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले चुनाव में विरोधी पार्टियों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। 6000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से ये उम्मीद की जाती है कि आखिरकार इस क्षेत्र के चले तो नहीं गए। अरे अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे भाई साहब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो उधर वहां खड़े हैं वो। ओह गॉड, हेलो सुनील, हेलो। हां ये प्रोजेक्ट तो आपको संभालना होगा, सब तो आप ही देखेंगे। मंत्री साहब, हम 2 मिनट के लिए आपसे सिंह साहब को छीनना चाहते हैं, बड़ा अर्जेंट इशू है। अच्छा ठीक है ठीक है, जाइए जाइए सिंह साहब, चलो आप। सर ये सब पाप प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रहे हैं? न्यूज एंड व्यूज का ये सफर यहीं तक, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोहित आज तुमने जयन देशमुख की बिल्कुल सही ऐसी तैसी करी यार, बनता था उसका यहाँ पर उतारना। इतना बढ़िया मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। राजीव शुक्ला ओनली सपोर्ट्स हिमसेल्फ, आगे का पूरा खेल आईसीयू से खेला जाएगा। मेरी ये बात गांठ मानो तुम। रियली रात की न्यूज़ में देखना हमारा स्टिंग ऑपरेशन। क्यों भाई स्टार रिपोर्टर, हमारे लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालिया करो। शट अप, बिजी तो तुम हो, कॉफी पियो। मुझे 2 हफ्तों से म्यूजिक सिस्टम लेनी है रोहित। कल चलते हैं 7 बजे। पक्का 7 बजे तुम्हारा बुलेटिन है कल? 8:15 बजे पक्का। मैं तुम्हें वन सेकंड, चीफ इज ऑन द लाइन। हाँ सर। क्या हुआ तुम्हारी स्टोरी का भाई, क्या मुगलिया से बना रही हो? नहीं सर, आई एम सॉरी, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं आज सबमिट कर रही हूँ। ओके हरिया प्लीज। ओके सर। रोहित आई हैव टू रश, बाय बाय। मेघना जी, यू फॉरगॉट समथिंग। सॉरी। कल 7:30 बजे। प्रॉमिस। होप सो। मित्तल जी, जरा ये टेप प्ले कीजिए, रिव्यू के लिए भेजी है, उसी रीजन की है, शायद इसमें से कोई शॉट मिल जाए। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये मोहनदास है।
OCM में जमा अपने सर्टिफिकेट मांगने गया था। और देखिए, इसके बदन की चोटें इसके साथ हुई जुल्म की कहानी कहती है, किस तरह बेरहमी से पीटा गया है ये। देखिए, अपना वाजिब हक मांगना। स्टॉप स्टॉप, ऊपर से ऑर्डर है। अरे समझ में नहीं आता, रिवाइंड कीजिए। समझ में नहीं आता। बस बस बस, प्ले। अरे हमारी गलती क्या है भाई, हमारी गलती क्या है? चल पहले बाहर चल, पहले बाहर चल, उसके बाद बात करेंगे। अरे तो देते एक बार। अरे अरे बात तो कर, साथ से कहना। अरे हमारी गलती क्या है भाई, हमारी गलती क्या है? पहले बाहर चल, उसके बाद बात करेंगे। मेघना जी, 6 मिनट रह गए हैं जमा करने के लिए। लाइए। हर रोज वही खबरें, सेंसेशनल खबरें, सियासत की उठापटक, दांवपेच, सरकारों का बनना और गिरना, क्रिकेट, फैशन, सेक्स, हत्या, बलात्कार। लेकिन कुछ खबरें चुपचाप खामोशी में घटती हैं, कोई आहट नहीं होती और कोई मारा जाता है, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, हर रोज। और कहीं कोई आवाज नहीं होती। लगता है इस चेहरे को मैंने पहले कहीं देखा है। कहां? मौत के खौफ से घिरे सारे चेहरे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये मोहनदास है। ओरिएंटल कोल माइंस में जमा अपने सर्टिफिकेट मांगने गया था। और देखिए, इसके बदन की चोटें इसके साथ हुई जुल्म की कहानी कहती है। मैं मोहनदास भी है, अपनी रोजी रोटी के लिए अब यही एक काम कर रहा हूँ। ये मेरी माँ है पुतली बाई, और मेरा एक बेटा है देवदास, मेरी पत्नी कस्तूरी। लेकिन ओरिएंटल कोल माइंस में सब कहते हैं कि तुम मोहनदास कैसे हो सकते हो, मोहनदास तो कोई और है। ए, आपे क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है आपे? अरे बंद कर, चलो निकल, निकलो ऐसे। अरे बोला ना तुम्हें? अरे निकलो। अरे हमारी गलती क्या है? हमारी गलती क्या है? यहाँ कुछ नहीं, चल चल भाई, गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो। मगर मेरी पहचान नहीं मिटा सकते, मैं ही मोहनदास रहूंगा, एक नहीं 50 बार कहूंगा मैं ही मोहनदास हूँ। हेलो, अनिल यादव जी। जी बोलिए। मैं जनमत से मेघना सेन गुप्ता बोल रही हूँ। आप मेघना सेन गुप्ता बोल रही हैं? जी। दिल्ली से? हाँ। वाह सरकार, क्या बात है, सोचते थे कभी तो आपसे बात होगी, और देखिए आप ही ने फोन कर दिया। अच्छा सुनिए जी, मैंने आपकी स्टोरी देखी। स्टोरी देखी? ओ, आपको पसंद नहीं आई होगी ना? नहीं नहीं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूटिंग हुई थी ना, सब तो आपसे सीखना है अभी। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली से अनूपपुर आना हो तो कैसे? आप अनूपपुर आने का विचार बना रही हैं? क्या बात है, क्या बात है सरकार। अच्छा कब आना चाहती हैं आप वैसे? वो मैं बता दूंगी आपको। हाँ, लेकिन यहाँ अनूपपुर आने के लिए तो एक ही ट्रेन है। कौन सी?